हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन वैसे तो बहुत लोगों के लिए परेशानी लेकर आया, लेकिन कोरोना वायरस के चलते देश के लिए बहुत जरूरी है। वैसे लॉकडाउन पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से देश और प्रदेश की आबो हवा में काफी बदलाव आया है। एक तरफ लॉकडाउन को कोरोना जैसे बीमारी पर लगाम लगाने के लिए अहम माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ दम घोटू प्रदूषण से लोगों को राहत मिल रही है। गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी में पर्यावरण एक भारी समस्या थी, लेकिन जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब से गुरुग्राम के प्रदूषण में काफी कमी आई है। बहुत सारे में गाड़ी कम चल रही है रोड पे, लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ, गाड़ी नहीं है, प्रदूषण कम हुआ उससे। प्लस कई जगह जैसे उद्योग बिहार में बहुत सारी कंपनी चल रही थी, वो लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो उससे काफी डिफरेंट पड़ा कि जैसे प्रदूषण, गाड़ी प्रदूषण के सांस लेने, वायु देख रहा अब अच्छा लग रहा है, वैसे प्रदूषण साफ लग रहा है। पहले तो सांस लेने में बहुत ही, वैसे प्रदूषण से बहुत फायदा हुआ, लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ कि प्रदूषण कम है। पहले कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी, जनरेटर लगातार चल रहा था, बहुत मतलब साफ सुथरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है साफ लग रहा है, प्रदूषण सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। पहले गाड़ियां इतनी थी कि आदमी बहुत ज्यादा गाड़ी थी, बहुत ज्यादा ही प्रदूषण का सिस्टम, अब लग रहा है कि साफ है। सर जैसे कि आप पहले देखते थे कि गुरुग्राम में जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे कंपनियां भी बहुत सारी है, और यहाँ पे आपने भी पहले देखा होगा कि गाड़ियों के भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे लोगों की। और अब जैसे ही कोरोना वायरस के वजह से मोदी जी ने लॉकडाउन करा है, उसकी वजह से पेड़ों को भी शांति मिली है, लोग घर में रहते थे, और यहाँ की गाड़ियाँ भी बंद हो गई है, इंडस्ट्री एरिया सब कुछ बंद हो गया है। उसी हिसाब से देख के ये लेवल थोड़ा वो ये गुरुग्राम का पोल्यूशन है जो कम हुआ है। पोल्यूशन सबसे मेन कारण है कि कोई भी रोड पे आवागमन नहीं हो रहा, ट्रैफिक बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, स्ट्रक्चर कंट्रैक्शन की लाइन बंद है, कोई पोल्यूशन हो ही नहीं रहा है किसी प्रकार का, कोई चिमनी नहीं चल रही है, कोई एसी नहीं चल रहा है गाड़ियों में, उससे पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली डाउन आना ही है। गुरुग्राम में प्रदूषण एक समस्या रही है और इसे कम करने के लिए समय समय पर सरकार कदम भी उठाती रही है, लेकिन जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तब से प्रदूषण का कांटा काफी तेजी से नीचे आ रहा है। गुरुग्राम का प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुर्खियां बटोरता रहता है। अभी हाल ही में पिछले महीने यानी फरवरी में ब्लूमबर्ग की तरफ से सबसे प्रदूषित शहरों की जो है वो लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें गुरुग्राम को 7वां स्थान दिया गया था। कोरोना प्रकोप के चलते 25 मार्च से हुए लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम की जो AQI लेवल है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आज की बात करें तो इसे 57 दर्ज किया गया है, यानी कि 63% का जो सुधार इसके जो AQI लेवल में देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आज रोड सुनसान पड़े हैं, पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स बैन कर दी गई हैं, इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं हम गुरुग्राम के सोना चौक पर हैं, जहां लगातार लोगों का तांता लगा रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है या वाहन खड़े रहते हैं और लगातार प्रदूषण को फैलाते रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद आज स्थिति काफ़ी भिन्न देखने को मिल रही है। कोई इक्का दुक्का लोग ही जो है वो निकल रहे हैं, जिनको बहुत ज़रूरी काम है उसी वजह से लोग बाहर आ रहे हैं, और फिलहाल जो है गुरुग्राम की जनता आज बहुत अच्छे वातावरण में सांस ले रही है। अब ये देखना होगा कि लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम के प्रदूषण की स्थिति क्या रहती है। प्रदूषण के लिए फरीदाबाद भी कम बदनाम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ की आबो हवा पहले से काफी बेहतर हो गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आबो हवा पहाड़ों पर जाने के बाद उन्हें मिलता था, आज फरीदाबाद में वैसा ही वातावरण और माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जहां प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं लोगों को खांसी जैसी समस्या से भी निजात मिल रही है। सर देखिए, ये जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है 21 दिन का, इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इन इंडस्ट्रीज से जो जहरीली गैसें निकलती थी जिससे वातावरण दूषित होता था, वो होना बंद हो गया है। और मेरा ये मानना है कि अगर साल में एक बार 10 दिन के लिए हो, हर साल 10 दिन के लिए लॉकडाउन इस तरीके से हो, तो वातावरण में बहुत सुधार आएगा और हमारी जो पृथ्वी है ये काफ़ी दूषित फ्री रहेगी। और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का वातावरण अब आपको लग रहा है, क्योंकि पहले धुंध रहती थी, आसमान भी साफ नजर नहीं आता था, अब जो है आसमान भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम लोग जैसे कि अगर हम लोग छुट्टियां मनाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं क्योंकि वहां का वातावरण काफी साफ रहता है। अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद पहाड़ों पे ही हूं इस समय, क्योंकि अब मुझे सांस लेने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहती और
कोई किसी प्रकार का मुझे पॉल्यूशन नहीं दिखता। चिड़ियाएं भी, जो हमारी चिड़ियाएं हैं, ये सब आराम से अपना घूमती हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से रह रही हैं। जानवर भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले जैसे हम लोग के सर में दर्द रहता था काफ़ी, सुबह उठते सर में दर्द होता, आंखों में जलन होती थी और ये सब चीज़ें होती थी कि जैसे शाम को हम लोग घर जाते थे तो सर में काफ़ी पेन रहता था। ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी है अब लॉकडाउन की वजह से। और पहले चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती, तो अब चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, सुबह दाना खाने भी चिड़ियाँ छत पर आती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। पहले धुंध रहती थी फरदाबाद में स्मोग पोल्यूशन को लेकर, अब वातावरण कैसा लग रहा है? वातावरण काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से। पोल्यूशन के नाम से बात की जाए तो फरीदाबाद की, ये भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी पहले नंबर पर रहता था, और आज पोल्यूशन की मात्रा इतनी कम हो चुकी है कि यहाँ पे ये सुबह सुबह चिड़िया भी, कौवा वगैरह भी दिखाई देते हैं। और ये जो सड़क है ना, इस सड़क पे इतनी सारा रेत मिट्टी हो जाती थी, ये भी साफ़ सफाई बिल्कुल एकदम पड़ी रहती है, तो मैं कहूँगा कि पोल्यूशन नाम की तो चीज़ नहीं रही यहाँ। फरीदाबाद में स्वच्छ वातावरण के लिए लोग लॉकडाउन को ही सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं, यानी लॉकडाउन से जहां कोरोना को काबू किया जा सकता है तो वहीं प्रदूषण पर भी प्रहार हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में फरीदाबाद में जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर अपने स्थान को बनाए रखा था, अब फरीदाबाद में पोल्यूशन पूरी तरीके से कम हो चुका है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट जिस तरीके से फरीदाबाद में देखने को मिलती है, वातावरण काफी ज्यादा शुद्ध हो गया है। प्रदूषण की मात्रा पूरी जो जिस तरीके से हावी रहती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन ये किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया एशिया के नंबर वन कहीं ना कहीं फरीदाबाद को माना जाता था इंडस्ट्री में, आज तमाम जो उद्योग हैं वो साफ तौर पर बंद जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, तो पूरी तरीके से फरीदाबाद में पोल्यूशन कंट्रोल हो चुका है। लोग भी जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं। लोग भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अभी का वातावरण फरीदाबाद में नजर आ रहा है, ऐसा ही कहीं ना कहीं आगे भी नजर आता रहे। जिस तरीके से पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन की मात्रा फरीदाबाद में काफी ज्यादा कम हो गई है। पशु पक्षियां भी कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद से दूसरे राज्यों में जाने लगे थे, वो भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद में दोबारा से वापस लौट आए हैं। और लोगों में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वातावरण की बात करें तो वातावरण में काफी ज्यादा खुशनुमा नजर आ रहा है। वहीं फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में भी पर्यावरण में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन से पहले जहां एक दूसरे की आवाज सुनने में समस्याएं आ रही थी, तो वहीं अब पर्यावरण में हुए सुधार के बाद पक्षियों की आवाज भी सुनाई देने लगी है। जब से मतलब ये लॉकडाउन हुआ है तब से पॉल्यूशन के काफी सुधार हुआ है। पहले कई तरीका की मतलब धुआं जब उड़ता था, पॉल्यूशन उड़ता था, तो नाक के जरिए भी मतलब पॉल्यूशन लगता था कि मिर्च लग रही है, आंखों में भी मतलब जलन सी महसूस होती थी। बाकी जब से लॉकडाउन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब से काफी सुधार है पॉल्यूशन के अंदर। बिल्कुल पॉल्यूशन में बहुत सुधार है, और हम तो यही चाहेंगे कि मतलब आगे भी मतलब पॉल्यूशन के लिए इस तरीके के मतलब लॉकडाउन ना हो के, लेकिन इसमें सुधार किया जाए। जब से कंपनी बंद हुई उससे अच्छा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, पॉल्यूशन बढ़िया मतलब कम हुआ है। पॉल्यूशन कम हुआ जब से कंपनियां बंद हुई हैं। तो पहले क्या दिक्कतें आती थी पोल्यूशन? पहले कंपनी चलती थी, धुआं रहता था, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, कई बार आंखों में मिर्च लगती थी। सड़कों पर पसरे सन्नाटे, इंडस्ट्री बंद, बाजार बंद होने की वजह से न सिर्फ हवा में प्रदूषण कम हुआ है बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी काफी कम हो गया है। यही वजह है कि फतेहाबाद के लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार साल में 10 से 15 दिन इस तरह की व्यवस्था करे ताकि लोगों को दम घोटू प्रदूषण से राहत मिल सके। लॉकडाउन हुआ है, प्रदूषण का कहर बहुत ही कम हो चुका है, ताजी हवाएं चल रही हैं और सांस लेने में तकलीफ होती थी जो कि बहुत घट चुकी है और बहुत कम हो चुकी है। ये मेरी दुकान है पानीपत हैंडलूम, हम यहाँ दिन रात देखते थे धुआं चढ़ता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी, और अब वातावरण इतना अच्छा हो चुका है कि ताजी हवाएं हैं, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट से, साल में 10 या 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए ताकि हमारी प्राकृतिक हवाएं हैं, ताजी हवाएं चलती रहें और साफ सुथरा रहे। पहले हमारा पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, उसके बाद जो कि पोल्यूशन हमारा बहुत ही कम हुआ है, गाड़ियों का जो चलना है सारा ट्रैफिक बंद है, पोल्यूशन काफ़ी बंद है आम जनता के लिए, और जो कि सांस के रोगी थे उनके लिए काफ़ी राहत भरी बात है ये, और उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी लाभ मिला है और बहुत ही कम पोल्यूशन है, सांस लेने में भी उनको काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है। फतेहाबाद में भले ही लॉकडाउन की वजह से अभी प्रदूषण का स्तर कम है, लेकिन फतेहाबाद में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रिहायशी इलाके में चलाई जाती हैं,
और इसका कई बार स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं और इलाके के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इन फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो टायर जलाए जाते हैं और उनका तेल बनाया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, और इससे आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो सांस की और अस्थमा, दमा, अस्थमा ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि वो साथ में जो ये बस्ती है इसको भी दिखाएं। ये बस्ती के बिल्कुल नजदीक फैक्ट्रियां लगाई गई हैं जिला फतेहाबाद में, जिसको लेकर के कई बार यहाँ के लोग अनशन कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। लेकिन बहरहाल 20 मार्च के बाद से जो पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से पोल्यूशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में वातावरण है पोल्यूशन, उसमें पूरी तरह से कंट्रोल है, और उसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी, आम व्यक्ति है, वो अपना जीवन आराम से गुजार सकता है। कमोबेश यही हाल कैथल का भी है। लॉकडाउन की वजह से आसमान साफ है, सड़कों से गाड़ियां गायब हैं, जिसका सीधा असर प्रदूषण पर दिखाई दे रहा है। प्रदूषण कम होने से यहां सबसे ज्यादा राहत सांस के मरीजों में दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदूषण घटने की वजह से जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब वो आराम से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सड़कों पे वाहन और इंडस्ट्री वगैरह जो फैक्ट्री चल रही है, उनका धुआं और सब बिल्कुल खत्म हो रहा है। इससे आसमान में भी आप देख सकते हो पक्षियों की चहचहाट, जो पहले नहीं मिलती थी। पोल्यूशन की वजह से पक्षी भी जो है नहीं आ सकते थे, जो अपने घोंसलों से, वो बहुत ही अच्छी तरह चहचहाट, शाम को भी आपको बहुत ज़्यादा चहचहाट मिलेगी। तो इससे पोल्यूशन जो है जो ख़त्म होया है, इससे मतलब सड़कों पे जो वाहन थे वो इतनी ज़्यादा थे, जिससे जो पोल्यूशन होता था वो भी खत्म हो रहा है। लॉकडाउन से देखो पोल्यूशन तो बिल्कुल खत्म हो गया है। साउंड का पोल्यूशन बहुत होता था, हॉर्न बजते थे, फैक्ट्रियों में मशीनें चलती थी, उसका भी पोल्यूशन होता था। साउंड का और धुएं का पोल्यूशन इतना खत्म हो गया, लोग जो सांस लेने में दिक्कत थी, जो मरीज थे सांस के, वो भी बहुत कमी आई है उनमें भी। बेशक लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण जो है कम हुआ है, क्योंकि तमाम तरह की फैक्ट्रियां और उद्योग, सड़कों पे वाहन धुआं छोड़ने वाले सब कम हो गए हैं। तो सड़कें साफ होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो स्वाभाविक है प्रदूषण में कमी तो आएगी। कैथल में लॉकडाउन का ही असर है कि वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। लॉकडाउन के चलते जहां पूरा देश थम गया है, वहां पोल्यूशन में भी काफी कमी आई है। प्रदूषण के आंकड़ों की बात करें तो इस इतने स्तर पर प्रदूषण में गिरावट आना पहली बार हुआ है, क्योंकि सभी चिमनियां बंद हो गई हैं, सभी ईंट भट्टों की भट्टे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और सड़क पे ट्रैफिक भी नहीं है। इस गिरावट का जो फायदा हुआ है वो ये है कि जो सांस के मरीज थे, जो सांस लेने में दिक्कत आती थी, उनको काफ़ी आराम मिला है, उनको दवाइयां लेनी नहीं पड़ रही हैं या कम लेनी पड़ रही हैं। दूसरा, वैज्ञानिकों की माने तो ओजोन लेयर जो थी उसकी परत धीरे धीरे भर रही है, और इससे और सड़कों पे व्हीकल कम होने की वजह से दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आई है। सड़कें साफ, आसमान साफ, ये हाल है कालावली का, जहां लॉकडाउन के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट का असर साफ दिखने लगा है। हालांकि कुछ लोग प्रदूषण में कमी के लिए लॉकडाउन को वजह मान रहे हैं, तो कुछ लोग बारिश और लॉकडाउन दोनों को इसका कारण मान रहे हैं। लेकिन सभी एक बात पर सहमत हैं कि जिस तरह का स्वच्छ वातावरण अभी है, इसी तरह का वातावरण आगे भी बना रहना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते सारे व्हीकल बंद हैं, इसलिए जो है वातावरण बहुत साफ हुआ है, इससे लोगों को सांस देने में कोई परेशानी नहीं है, बीमारियां इससे कम होगी। बाकी लोगों को चाहिए कि घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलें, सरकार की मदद करें, इससे सरकार का ही नहीं हमारा भी फायदा है। टोटल जितनी फैक्ट्री है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सारे आज की डेट में बंद पड़े हैं। पोल्यूशन फ्री वातावरण, हमारा जो वातावरण है पूरा पोल्यूशन फ्री है। आज से 50 साल पहले चले जाएं, जितना एयर इंडेक्स तब होता था, आज की डेट में उतना आ रहा है। आज फील कर रहे हैं हम, जब 25 साल पहले, 30 साल पहले छोटे हुआ करते थे, तब हमें हवा में
जो सुहानापन मिलता था आज की डेट में वही सुहानापन मिलता है। अगर हमें इसी तरह आगे अपने इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बचाना है तो हमें निरंतर ये अपनी आदत में डालना होगा, इसको प्रयास को निरंतर जारी रखना होगा ताकि हम इस ब्रह्मांड को एक प्रदूषण मुक्त, चाहे वो प्लास्टिक से हो, चाहे हवा में फैलने वाली कोई दुर्गंध हो, चाहे हवा में फैलने वाला धुआं हो, चाहे व्हीकल मशीनरी से पैदा होने वाला धुआं हो, चाहे पानी में जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उससे मुक्त करने का हो, चाहे प्लास्टिक कचरा जो जगह जगह एक गंदगी का रूप ले रखा है जिसने, और प्लास्टिक के कण आज की डेट में हमारे सांस में पहुंच रहे हैं हवा के थ्रू, इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा जिससे हमारे स्वास्थ्य पर और मानवता पर एक सकारात्मक असर देखने को मिले। बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और इस बदलाव के कारण जो है वो प्रदूषण बहुत कम हुआ है, इससे लोगों को राहत मिलेगी और जो कोरोना का वायरस फैला हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा जी, मौसम बदलाव के कारण परमात्मा भी अब खुश है और गर्मेश आने की वजह से कोरोना का जो वायरस है उसे भी मिटने में सहायता मिलेगी। लॉकडाउन ही सही लेकिन जिस तरह से प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिली है उससे कालावली में लोग खुश हैं। इसके चलते हुए रोडों पर जहां व्हीकल बंद है वहीं फैक्ट्री और कारखाने बंद है। लोगों का मानना है कि प्रदूषण रहित जो है आजकल वातावरण उन्हें मिल रहा है। अगर प्रदूषण, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो आजकल मौसम है, जो वातावरण है वो प्रदूषण रहित हो गया है और लोग अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि जो आने वाला समय है उसमें भी व्हीकलों का कम से कम प्रयोग करें। लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण का स्तर न सिर्फ शहरों में कम हुआ है बल्कि गाँव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नारनौल में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में आई गिरावट से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते जो है पूरा का पूरा पोल्यूशन पे भी जो है काफी इम्पैक्ट पड़ा है। बादल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, रोड खाली नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जो है मौसम साफ नजर आ रहा है और पोल्यूशन की जो मात्रा है वो भी लगातार जो है घटती हुई नजर आ रही है। आज इसी खबर को करने हम पहुंचे तो जाके पता चला कि कहीं भी जहां हम जा रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी जो है रास्ते बंद किए गए हैं, कहीं भी जो है सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को जो है भेजा जा रहा है और इसके अलावा रोड पर किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में व्हीकल्स रोड पर आने कम हो गए और जिस वजह से लगातार पॉल्यूशन में गिरावट नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तस्वीरों में सब कुछ खाली है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और जो है पॉल्यूशन विभाग का भी ये मानना है कि जो पॉल्यूशन के अंदर है पहले से काफ़ी ज़्यादा कमी जो है नोट कर की गई है और नोट करने के बाद के अंदर जो है पॉल्यूशन विभाग ने जानकारी जो दी उसके अनुसार बिल्कुल यहाँ पर जो है पॉल्यूशन में काफी कमी नजर आई है। सोनीपत में प्रदूषण में आई कमी की तुलना लोग आज से 25-30 साल पहले के वातावरण से कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण में आई कमी से जहाँ खांसी और सांस लेने जैसे बीमारी में कमी आई है, लोगों ने ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए इसी तरह का कदम सरकार से आगे भी उठाने की मांग की है। जो सर ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो वायरस जो फैला हुआ है और उसमें लॉकडाउन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और जो पॉल्यूशन की बात लें हम तो पॉल्यूशन पे काफ़ी हद तक नियंत्रण है क्योंकि जो दिल्ली से जो सीलिंग की थी पॉल्यूशन कंपनी वे हमारे क्षेत्र में आ गई थी इधर और वे अब बंद है। उनके बंद होने की वजह से पॉल्यूशन बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, साफ सुथरा माहौल है और ये बहुत ही अच्छी मतलब जो सराहनीय काम प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे अपील करता हूँ, प्रार्थना है हमारी कि आने वाले टाइम में भी इन पर नियंत्रण रखें। सरकार ने लॉकडाउन किया है इसके बाद गांव में काफ़ी प्रदूषण से मुक्ति मिली है और प्रदूषण ना होने की वजह से सब्जियां भी बड़ी टेस्टेड है। ज़्यादा प्रदूषण से जो फैक्ट्री से प्रदूषण निकलता था, ट्रैफिक से प्रदूषण निकलता था, उससे सब्जियां भी जहरीली हो गई थी। अभी पिछले 10 दिन से जो लॉकडाउन हुआ है इसमें सब्जियां बड़ी टेस्टेड है और काफ़ी मात्रा में सब्जी पैदा हो रही है। प्रदूषण की वजह से जो सब्जियां कम हो रही थी वो ज़्यादा हो रही है और हम आपस में उन सब्जियों को अब गाँव में सरकार द्वारा खोले गए सरकारी सेंटरों में उनको फ्री दान कर रहे हैं। सोनीपत वैसे औद्योगिक इलाका है और यहाँ प्रदूषण का स्तर हमेशा ज्यादा ही रहता है लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ भी लोग स्वच्छ वायु का आनंद ले रहे हैं।
लॉकडाउन के बाद जीव जंतुओं में भी काफी राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि पॉल्यूशन से काफी राहत है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो जिला सोनीपत में काफी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कि पॉल्यूशन जीरो पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। किसानों ने भी अच्छी फसल का दावा किया है, जो मरीज हैं उन्होंने भी अच्छा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी हमारे को बताया कि जो अस्थमे के एलर्जी के जो मरीज हैं उनको काफी राहत मिल रही है। ऐसे में जो सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो प्रशासन अगर जो पोल्यूशन की फैक्ट्रियां हैं उन पर सख्ताई से काम करे तो ऐसा ही वातावरण देखने को मिलेगा। और जीवन में पहली बार जो पक्षियों की चहचहाट सुनने को मिली है, इससे भी काफी राहत मिल रही है। वहीं उकलाना के लोगों का मानना है कि प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस तरह का खुशगवार माहौल देखा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से न सिर्फ पक्षियों की आवाज बंद हो गई थी, बल्कि पास बैठे लोगों से बात करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सर, वातावरण देखा जाए तो वातावरण शुद्ध नजर आ रहा है, और प्रकृति ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौटने की कोशिश कर रही है। जैसे माना जाता है कि 70-80 के दशक में ऐसा वातावरण रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया वातावरण है, और आसमान में धुआं नजर नहीं आ रहा, आसमान भी बड़ा साफ नजर आ रहा है। वातावरण काफी ठीक है, जो पहले था हालात बड़े खस्ता थे, उससे पहले देखा था 20 साल पहले जो हालात थे इस भर के हालात बन गए, मतलब इसके कोरोना के बाद आने के बाद में अब हालात में सुधार आए। देश में कोरोना वायरस को लेकर के जहां 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और देश पर महामारी का जो प्रकोप छाता जा रहा है, उसके बावजूद भी एक राहत देने वाली खबर यह है कि अब पर्यावरण के अंदर काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हमने लोगों से भी बात की और आप भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नए पत्ते निकलकर जो सामने आ रहे हैं, नई कॉम्प्ले जो फूट रही है, पर्यावरण में अब बहुत ज्यादा सुधार, शुद्ध वायु हो चुकी है, ऑक्सीजन का जो है वो बहुत अधिक मात्रा में लोगों को मिल रही है। इसके अलावा बुजुर्गों का कहना है कि आज से लगभग 50-60 साल पीछे जिस प्रकार की हवा होती थी, शुद्ध हवा होती थी, शुद्ध पर्यावरण होता था, ठीक इस दौरान वैसा ही महसूस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं कोई धुआं नहीं नजर आ रहा। हालांकि इसी दौरान ये एक और राह देने वाली खबर है कि पर्यावरण भी शुद्ध हुआ है। उसके अलावा देश में जिस प्रकार से हर रोज एक्सीडेंट से कितनी मौतें होती थी, उस पर भी विराम लगा है। ये चीजें देखने वाली है, हमें पॉजिटिव भी सोच के चलना पड़ेगा कि कोरोना से लड़ते लड़ते हम जहां आज इस मुकाम पर है कि लॉकडाउन के दौरान हमें घरों में रहना पड़ रहा है, लेकिन उसका ये फायदा भी हो रहा है कि प्रकृति दोबारा से अपने स्वरूप में आ रही है। जहरीला धुआं जो निकल रहा था फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, वो सब बंद हो चुका है और फिलहाल जो है बिल्कुल वातावरण शुद्ध नजर आता है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने कई बार योजनाएं बनाई, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।